नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं मायावती की, बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती इधर ना उधर तो मायावती किधर, ये आरोप लगते रहे हैं पिछले कई चुनाव से कि मायावती खुद भले ही चुनाव ना जीत पाए, लेकिन जो दूसरे सियासी दल हैं उनका खेल बिगाड़ने का काम बखूबी कर लेती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आरोप लगे कि जिस तरीके से उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुस्लिम उम्मीदवार दिए, उससे 138 सीटों पर समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ। और ये बात अलग है कि खुद मायावती महज एक विधायक जिताने में कामयाब रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, समाजवादी पार्टी और बसपा के दोनों ही दलों के मुस्लिम उम्मीदवार एक साथ खड़े करने की वजह से जो वोट कटे उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा हुआ। तो क्या इस बार भी मायावती किंग मेकर की भूमिका में आना चाहती है? क्या मायावती समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्ष का खेल बिगाड़ना चाहती है, या फिर मायावती वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के तैयार है? वो बीजेपी जिसने बहुत चालाकी से बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में बीते एक दशक से सेंधमारी कर अपना कद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कर लिया है कि वो ये सोचने लगी है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें वो जीत सकती है। तो इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और बसपा के समर्थक शेयर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत जल्द हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी भी जुड़ जाएंगे। तो पहला सवाल हेमंत जी से ले लेते हैं। हेमंत जी, बीते कई दशकों से आप देश की सियासत को बखूबी समझते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब मायावती की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। कई दशक के बाद उत्तर प्रदेश में अगर पहली पूर्ण बहुमत की सरकार किसी ने बनाई तो 2007 में जो मायावती ने करिश्मा किया उसको देख के सभी लोग हैरत में पड़ गए थे। लेकिन 2014 के बाद से ऐसा क्या होने लगा कि मायावती हाशिए पर जाने लगी और अब अपना जनाधार वापस लाने के लिए खबर है कि वो खुद भी मैदान में उतरने जा रही है। तो इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है हेमंत जी, उसमें बहन जी की भूमिका क्या होने जा रही है? क्या वास्तव में वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगी, या अप्रत्यक्ष तौर पर जैसा कि आरोप लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वो बीजेपी की बेटी बनकर रह गई है? देखिए मानस जी, मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा करैक्टर हैं जिन्होंने बमुश्किल तमाम 2.5 दशक के अपनी सक्रिय राजनीतिक जीवन में अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है। जब कांशीराम के साथ एक मूवमेंट के तौर पर इनकी सहभागिता रही, उसके बाद एक जिस तरीके से कांशीराम के प्रोत्साहन पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी दखल शुरू हुई, ये अपने आप में बड़ी मिसाल है कि 1.5 दशक के करीब के कार्यकाल में 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली महिला के बारे में एक वक्त ये टिप दिए जाते थे कि ये देश में प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं। आज दशा है कि 2007 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती का उत्तर प्रदेश की असेंबली में सिर्फ एक विधायक है, वो भी अपने दम पर जीत कर आया हुआ। 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से जो शून्य शुरू हुआ, मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के पराभव काल का प्रारंभ वहां से था। दरअसल इसके लिए मायावती खुद जिम्मेदार हैं, और आप देखें खाली समाजवादी पार्टी आरोप नहीं लगाती है। मायावती के बरसों तक जो निकटस्थ सहयोगी रहे, जो अब सबके ज्यादातर बसपा छोड़ करके दूसरे दलों में हैं, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो मायावती की कुछ बुनियादी कमियों की ओर उन्होंने इंगित किया, और यह इंगित करना सामान्य तौर पर स्वीकार भी हुआ। तो निर्णय खुद लेती हैं, एकाकी निर्णय लेती हैं, जो मन में आता वही फैसले करती हैं। तो मैं तो यहां शुरुआत करूंगा कि जब एकदम बुरा दौर था, यानी 2014 का शून्य, उसके बाद थोड़ी चोट लगी तो मायावती ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सूरज के पश्चिम से निकलने जैसा था। स्टेट गेस्ट हाउस कांड
की पीड़ा और दंश भूल करके उन्होंने समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के साथ समझौता किया। पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस पर बड़ा आश्चर्य था, लेकिन परिणाम आने के तत्काल बाद उन्होंने किनारा कर लिया जिसकी पूरी आशंका थी, मतलब मौका परस्ती की राजनीति की। और खाली अलग हुई यही बात नहीं है, उन्होंने एक प्रण लिया, सार्वजनिक बयान था, मानस जी आपको याद होगा, सारे लोगों को याद होगा, उन्होंने कहा हमारा कुछ भी हो लेकिन हम अखिलेश यादव को बर्बाद करके रहेंगे। तो उसके बाद उनके जितने भी एक्ट्स हैं पॉलिटिकल, उनके जितने भी मूव हैं, वो चाहे भाजपा जीते या न जीते, कोई जीते न जीते, अखिलेश यादव हारे, ये उनका एक नया पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की उत्तर प्रदेश की राजनीति में। नतीजतन इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, और चाहे वो पॉलिटिकल जानकार हों चाहे पॉलिटिक्स में सक्रिय लोग हों, सबका कहना था कि मायावती एक तरीके से भाजपा की बगलगीर साबित हुई हैं। अभी तक तो यही देखा गया, यानी 2022 के असेंबली इलेक्शन, आपने खुद कहा कि कम से कम 138 सीटें थी समाजवादी पार्टी ने कहा, लेकिन मुझे याद है कि दूसरे और तीसरे चरण में ही कम से कम 41 ऐसी सीटें थी जिस पर मायावती के कैंडिडेटर जो फील्ड किए, जिनको कैंडिडेट बनाया, उनकी वजह से समाजवादी पार्टी हारी और भारतीय जनता पार्टी जीती। तो फिर ये कहना गुनाह नहीं है, यथार्थ के काफी करीब है कि मायावती के रूप से भारतीय जनता पार्टी की बम हुई और अखिलेश यादव जो बड़ा नजदीकी मुकाबला समझ रहे थे वो काफी पीछे चले गए। और इस बार आपने देखा होगा उन्होंने एकला चलो का एक वो तैयार किया है, अभी खुली नहीं है, कुछ चर्चाएं हैं, जैसे कांग्रेस के अंदर खाने से खबर आ रही, कांग्रेस के लोग बड़ा डेस्परेट हैं उनसे समझौता करने की, लेकिन अगर विपक्ष का महागठबंधन बनता है जिसका हिस्सा मायावती न तो हैं न होने के आसार हैं, तो ये माना जाएगा कि मायावती अकेले रास्ते पे चलेंगी। और उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में अगर मायावती अकेले जाती हैं तो इसका प्रत्यक्ष लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। खास तौर से आपने देखा होगा 2022 के असेंबली इलेक्शन में किस तरीके के उम्मीदवार दिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवार दिए और उन मुस्लिम उम्मीदवारों को मुकाबले मुस्लिम उम्मीदवार दिए जो समाजवादी पार्टी ने भी दिए थे। और इसकी एक बड़ी वानगी आपने देखी होगी आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में, जब इन्होंने गुड्डू जमाली को, जो बाई इलेक्शन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ती है, लेकिन वहां उन्होंने गुड्डू जमाली को कैंडिडेट दिया और उसकी वजह से धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव हार गए। मतलब फायदा किसको हुआ, फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो ऐसी सूरत में जो मुझे लग रहा है कारण क्या हो, या तो भाजपा के दबाव में है, क्यों दबाव में है, आजकल अपोजिशन ईडी और इनकम टैक्स और तमाम चीजों की बात करता है, और इसमें कोई शक नहीं कि मायावती की जो परिस्थितियां हैं ये सारी एजेंसी के कहीं न कहीं रडार पर हुए, उनके भाई या उनके परिजन हो सकते हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है अखिलेश यादव से बदला लेने की जो उन्होंने कसम खाई है, तो अगर उन्होंने वही काम किया जो आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में किया था, या फिर अभी आपने देखा होगा जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए वहां मेयर पद की 11 सीटों पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिए और उसकी वजह से अखिलेश यादव के जो भी कैंडिडेट थे उनको बहुत बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा। तो ऐसी सूरत में ज्यादा आसार है कि मायावती न इनके साथ जाएंगी न उनके साथ जाएंगी, खास तौर से चूंकि विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष के गठबंधन के साथ जाने के आसार न्यूनतम है, और अगर खुद लड़ी इसका मतलब वो किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट रखा है 80/80, हालांकि टारगेट रखने की बात होती है, उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है, लोगों का मिजाज भी बदल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर पिछला प्रदर्शन भी दोहरा लेती है तो निश्चित रूप से इसमें मायावती की बड़ी भूमिका होगी अप्रत्यक्ष रूप से। तो अभी फिलहाल यही कहना मुनासिब होगा कि मायावती फिलहाल कहीं नहीं जा रही हैं, कोई इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं, और अगर कहीं नहीं जा रही हैं, अकेले जा रही हैं, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक वातावरण बनेगा और परिणाम किस तरीके के होंगे। तो दीपक रंजन जी, क्या यही वजह है कि आप भीम आर्मी की तरफ हाथ बढ़ाए हुए हैं? भीम आर्मी से आप प्रत्यक्ष तौर पर आप पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बड़ा प्रयास किया था, लेकिन आपने उस तरीके से उनसे उनको अपने साथ शामिल नहीं किया, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि बराबर वो जयंत चौधरी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। तो क्या चंद्रशेखर आपकी मजबूरी बन रही है कि अगर मायावती का कोई जवाब तैयार करना है तो आप चंद्रशेखर को साथ में लेने के लिए उत्सुक हैं?
देखिए मानस भाई, मायावती जी की अपनी एक अलग पार्टी है, उनकी पार्टी जिसमें कई बार की वो खुद की मुखर्जी रही है, और जब आज देश को और प्रदेश को आज उनकी आवश्यकता है तो वो उन्होंने ऐसा रुख क्यों अख्तियार कर रखा है, ये देखिए समझ से परे। जब 2019 में बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का जब अलायंस हुआ था तो पुरानी सारी बातें भुला करके दोनों लोगों ने बड़े दिल से जो है दोनों लोगों ने हाथ मिलाने का काम किया था। और इस अलायंस से ये सही है कि आज की तारीख में जो सत्ता पक्ष है वो अलायंस हम लोग 15 सीटों पे 16 सीटों पे हम लोग जो है जीत दर्ज कर पाए, लेकिन उस टाइम आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने जो हमारी दूसरे नंबर की भी सीट थी 2014 में जिस सीट पे हम दूसरे नंबर पे थे और बहन जी जिन सीटों पे हारी जो तीसरे नंबर पे थी वो सीट पे भी आदरणीय बहन जी ने मांगा था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा दिल दिखा था उनको वो सीटें देने का काम किया था। और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी से अलायंस होने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनको 29 सीट देने का काम किया तो खुद 37 सीटों पर लड़ी थी। और समाजवादी पार्टी से मानस भाई जब अलायंस हुआ था बहुजन समाज पार्टी का तो आपने देखा होगा कि 2014 में 0 थी, 2019 में 10 सीटों पर लोकसभा के इनके प्रत्याशी विजय हुए। और अगर मैं इसमें देखिए मैं नहीं जाना चाहता कि इसमें आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन अगर बहन जी अगर अकेले चली होती तो आज 2022 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ उसमें सिर्फ इनको एक सीट आई। और जैसा कि अभी आदरणीय बड़े भाई श्री हेमंत तिवारी जी ने बताया कि जो उमा शंकर सिंह जी बलिया से रसवा से चुनाव जीते वो भी अपने दम पे जीते, उसमें भी मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का तो आज जब देश को और प्रदेश को आपकी आवश्यकता है तो या तो आप जनता को असमंजस में ना रखिए, आप उसको स्टैंड अपना क्लियर करिए कि आपको सत्ता पक्ष के साथ जाना है, आपको विपक्ष के साथ जाना है, आपको अकेले जाना है, उसी हिसाब से देखिए जनता भी अपना प्रशासन सेट करे। ये सही है, अभी हेमंत भाई ने बताया कि नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ, 2022 का विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, आदरणीय बहन जी ने आदरणीय माती जी ने ऐसी ऐसी सीटों पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी भाई, बहुत से लोगों में तो इस टाइप की बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से पूछ करके उन्होंने कैंडिडेट उतारे, हालांकि मैं इसमें बहुत श्योर नहीं हूँ, तो सुनी सुनाई बातें हैं कि किससे पूछ करके उन्होंने कैंडिडेट दिया किससे पूछ करके नहीं कैंडिडेट दिया, लेकिन ये सही है कि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को ठीक ठाक हिस्सा उठाना है। आज जब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को हराने की है क्योंकि पिछले 9 साल से देखिए केंद्र भारतीय जनता पार्टी से ये भी लड़ती है और समाजवादी पार्टी भी लड़ रहे हैं, विपक्ष के लोग भी लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी सही है कि उन्होंने कई बार जो है बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सरकार भी बनाई है। तो आज ऐसी असमंजस की स्थिति जब 6-8 महीना चुनाव को बचे हुए हैं तो ऐसी असमंजस की स्थिति मायावती जी ने क्यों पैदा कर रखी है, क्योंकि जनता भी अगर ये क्लियर करे थे कि अगर ये अकेले चुनाव लड़ती है तो जैसा कि हेमंत भाई ने कहा कि बिल्कुल सही है कि जब इनका समाज और इनका जो कैडर वोटर है जब वो देखेगा कि बहन जी कमजोर हो रही है, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है, और खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के लोग, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज को अगर ये कैंडिडेट बनाने का काम करेंगे जैसा कि अभी उन्होंने मेयर के चुनाव में बहुत सारे संख्या में उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के भाइयों को उन्होंने कैंडिडेट बनाने का काम किया, तो उसके अंदर असमंजस की स्थिति थी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट जो है वो कंसोलिडेट हो गया बहुजन समाज पार्टी के, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए बहन जी एकनाथ चलो की नीति अपनाए और इनके खुद का समाज और जो मुस्लिम जो विपक्ष का जो वोट है उसमें कहीं ना कहीं बिखराव हो और कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ साथ थोड़ा बहुत वोट बहन जी ला करके, क्योंकि देखिए आज दुश्मनी साधने का मानस भाई समय है, आज सबको एकजुट होकर के जो पिछले 9 साल से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार महंगाई और लोगों को इतने तकलीफ इतने दुख देने का काम किया है, अगर जब आज उससे लड़ाई लड़ने का काम है तो हम समझते हैं सारे विपक्ष को एकजुट होकर के एक मत होकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज जो हालात पैदा है मानस भाई कल को आने वाली पीढ़ी बहन जी से भी पूछेगी हम लोग से पूछेगी कि जब देश बिक रहा था जब बेरोजगारी इस तरीके से थी और जो महंगाई चरम पे थी जब डॉलर से इंडिया रुपी को कंपेयर कर किया जाता था तो रुपया इतना गिर गया था उससे हम लोग शांत क्यों थे, और बहन जी से जब इसका सवाल जवाब होगा बहुजन समाज पार्टी के लोगों से इसका सवाल जवाब होगा वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम किसके साथ खड़े थे हम किसके साथ नहीं खड़े थे। हमारे साथ श्रेयस जी भी मौजूद हैं, बीएसपी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि चाहे बीजेपी का खेमा हो चाहे समाजवादी पार्टी का खेमा हो या दूसरे विपक्ष के लोगों, विपक्ष की एकता को खंडित करने का अगर किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो सीधा आरोप बसपा सुप्रीमो मायावती पर लगा रहे करें कि वही जिम्मेदार है इसके लिए
और एक तरीके से वो वोट काट करके या विपक्ष के मतों का विभाजन करके अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रही है। देखिए, मैं इसमें दो बातों पे अपना मत रखना चाहूंगा। पहला कि जो हमारा भारतीय समाज है उसका जो ढांचा है वो किस तरह काम करता है, मतलब वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दे, ये सारे राजनीति को प्रभावित करते हैं। और दूसरा जो है, जो त्वरित मुद्दे हैं या जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर कोई पार्टी कैसे रिएक्शन करती है। बहुजन समाज पार्टी का काम होता है किसी मुद्दे को लेकर पूरी तरह से उसको समाप्त करना। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके सांसद विधायक होते हुए भी अगर वो आवाज संसद तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो ऐसे मुद्दों का या उस मुद्दे को उठाने का कोई मतलब नहीं है। सड़क पर आप खूब भाषणबाजी करिए, सड़क पे खूब चिल्लाइए, लेकिन अगर वो बात संसद तक नहीं पहुंचेगी तो उस मुद्दे का कोई समाधान निकलकर नहीं आएगा। तो बहुजन समाज पार्टी, मैं मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस समय उस तरीके से मीडिया के लिए सक्रिय नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों के बीच सक्रिय है, अपने लोगों के बीच कार्य कर रही है। और जो लोग मुद्दों को समझते हैं, जो लोग आंदोलन को समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। और रही बात विपक्ष की एकता की, तो विपक्ष जो इतनी बड़ी पार्टी है जो दलितों बहुजनों उसको पचा नहीं पा रही है, वो बहन जी को उनके कद के उनके उनके कद के बराबर सम्मान नहीं देना चाहते हैं। उनकी तो मेन लड़ाई ये है कि बहन जी को कैसे नीचे रखा जाए। बात आती है 2000, हम कांग्रेस के इतिहास की बात कर लेंगे, बाबू जगजीवन राम का भी कद बहुत बड़ा था, लेकिन कभी उनको कांग्रेस पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया जो जिस सम्मान के वो हकदार थे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में दलित नेता आज भी किस स्थिति में है, कई घटनाएं, कई वीडियो, कई पत्र वायरल होते रहते हैं कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, हमको जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो इस तरीके के तमाम उदाहरण हैं। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाने वाले लोग ज्यादा हैं और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पर बात करने के लिए लोग कम हैं। बहुजन समाज पार्टी की कोई नीति आप बता दीजिए 2007 से 2012 तक के रही सरकार में कि बहुजन समाज पार्टी ने किसी समाज के अहित के लिए कार्य किया हो। अगर वो कांशीराम योजना में आवास बने हैं तो सभी को मिले हैं। अगर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, किसी को इंटरप्ट करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आप बसपा के समर्थक भी है और विद्वान व्यक्ति, इसलिए आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे। और हमारे जो दूसरे साथी हेमंत तिवारी जी भी मौजूद है, बहुत लंबा उनका पत्रकारिता का उनका करियर है, उन्होंने बहुत जमाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। देखिए, ये तो आप मानेंगे ना कि जब जिस मिशन को लेकर कांशीराम चले थे और ये कहा गया था, उस वक्त ये संकल्प लिया गया था कि ये पार्टी सिर्फ दलितों के उत्थान की बात करेगी, तो अपने एजेंडे से शिफ्ट तो बहन जी ही ना, सर्व बहुजन हिताय से लेकर के संतन हिताय तक का तो उनका सफर था, तो उसी वजह से तो दलित वोट बैंक नाराज हुआ। और जिस तरीके से उनका आभा मंडल था, उनका अपनी सरकार में रहते हुए लोगों से मिलना जुलना नहीं, जो उनकी ही अपनी बिरादरी के लोग थे, दलित बिरादरी के लोग, वो उन तक पहुंच नहीं पाते थे, बहन जी उन तक खुद जाती नहीं थी। तो ऐसे में बीजेपी को मौका मिला नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 से पहले ही एक कैंपेन शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से, और 2 साल में दलितों के घर में जाकर के भोजन करके उनकी दलित बस्तियों, मलिन बस्तियों में जाकर के जिस तरीके से टारगेट किया बीजेपी ने, तो ये तो किसी भी सियासी दल को हक है कि वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए प्रयास करे। तो इसको आप क्या बहन जी की कोई कमी नहीं मानते हैं आप? आप ये बताइए, दलितों के आप भोजन करके आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? इसका मतलब कि आप दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं? किसी छत्री के यहाँ कोई भोज नहीं करता है, किसी ब्राह्मण के यहाँ कोई भोज नहीं करता है, किसी वैसे क्या कोई भोज नहीं करता, दलित क्या भोज करके क्या दिखाना चाहते हैं आप? गांधी जी ने बहुत प्रयास किया हरिजन सेवक संघ बना के, तो क्या वो जो गांधी जी के समय जो समस्या थी वो समस्या आज भी बनी हुई है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार वो है जो उन्होंने शासन सत्ता संभाली है, जिन्होंने इतने दिन तक काम किया है। मैं मानता हूं बहन जी सबसे मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहन जी अपने विचारधारा के, अपने समाज के, अपने पार्टी के नेताओं से मिलेंगी, अपने मिशन के काम कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, फोन से बात करती हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि बहन जी चौराहे पे आकर तिलक तराजू और तलवार से निकल करके अगर हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, अगर ये पूरी विचारधारा शिफ्ट हो रही है तो इसमें सपा भाजपा या कांग्रेस का क्या दोष है? विचारधारा आपने बदली श्रेय जी। आप बहन बहन जी, ये जो नारा था ये मध्य प्रदेश में कुछ का पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया था। बहन जी ने खुद बोला था कि वो आपकी अदालत में गई हुई थी, उन्होंने खुद बोला था इस बात को कि मैंने या कांशीराम साहब ने इस नारे को दोहराया हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगी। तो जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो भावावेश में कुछ भी नारा लगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगाते हैं, बीजेपी के लोग नारा लगाते हैं, कांग्रेस के लोग नारा लगाते हैं, कुछ भी नारा लगाते हैं। तो इसका मतलब उसको पार्टी के नेता से जोड़ दिया जाए। अगर अभी मध्य प्रदेश की जो घटना घटी है उसको उसको पार्टी के सीएम से जोड़ दिया जाए तो क्या ये उचित होगा? आप बताइए, मध्य प्रदेश की घटना को जोड़ दिया जाए कि वो सीएम शिवराज सिंह के कहने पे उन्होंने किया, तो आप बताइए इसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा? वह तो व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार है। देखिए, जो जो सरकार में होता है, जिसकी हाथ में सत्ता होती है, नैतिक तौर पर जिम्मेदारी भी उसी को ही लेनी चाहिए। चलिए, खैर, आपकी आपका अपना तर्क है, लेकिन इस पर हम हेमंत तिवारी जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं। हेमंत जी, एक जमाने में आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी को लोग ब्राह्मण समाज पार्टी लिखने लगे थे। बीएसपी का जो मतलब था, शाब्दिक अर्थ, वो भी बदल दिया गया था। जो श्रेयस जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये गहरी साजिश थी, मायावती कभी भी अपने एजेंडे से, यानी जो दलित उत्थान का जो एजेंडा था बीएसपी का, जो मूल एजेंडा था, जिसको लेकर के जो बामसेफ से लेकर के और बहुजन समाज पार्टी तक जो उनका एक पॉलिटिकल विंग बना, वहां तक उन्होंने उसको चलाया, बखूबी चलाया, आपको लगता है कि बहन जी कभी शिफ्ट नहीं हुई? देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपका मूल्यांकन इसी आधार पर होता है। आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, लोग आपको रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं, आपकी शक्ति, आपकी क्षमता का आकलन इसी बात होता है। यह सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसने 93 से लेकर के 93 में सरकार में शामिल हुए, 93 के बाद सत्ता का स्वाद चखा और बमुश्किल तमाम 15 से 16 साल के टाइम स्पैन में 4 बार उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, क्या वो 2014 पे शून्य पे नहीं आ गई? किसने कौन सी साजिश रच ली थी? आपके नेतृत्व, आपके राजनीतिक प्रबंधन की कमी थी। उसके बाद लगातार आप परफॉर्मेंस देख लीजिए क्या रहा है असेंबली में। कोई कल्पना कर सकता है? तो जो वस्तुस्थित है वो वस्तुस्थित है, वही सच्चाई है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये मायावती ने दूसरी जातियों को कब से तवज्जो देना शुरू किया, आप ध्यान करिए। कैंडिडेट देती थी, ब्राह्मण कैंडिडेट, हर जात के कैंडिडेट देती थी, लेकिन राजनीतिक फोकस किस बात पे था? दलित उत्थान विषय था, कांशीराम का मिशन था। उस मिशन को जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, उनको एक बल मिला और उन्होंने इसको एक जज्बात के तौर पे ग्रहण किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है और इसको रिपोर्ट किया है बाकायदा मीडिया में कि मतलब आपके पैर में चप्पल पहनने की आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है और तपती धूप में लाइन लगा करके बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की घटनाएं के इस तरह के उदाहरण दर्जनों हैं। ये जुनून था, ये जज्बा था और ये जज्बा पैदा किया था कांशीराम ने, उनके साथ मायावती ने। लेकिन जब दौर और था तब कांशीराम और मायावती 100-200 किलोमीटर साइकिल पर चल लेते थे, लेकिन जब से सत्ता का एक स्वाद मिला और सारे प्रबंधन की क्षमताएं मिली तब से चीजें घटिया होती गई। आप देखिए, ब्राह्मण वाली बात कब आई? ब्राह्मण वाली बात 2007 में आई। कांशीराम के अवसान के बाद ये पहला चुनाव था जब मायावती ने स्वतंत्र रूप से अपनी दृष्टि से फैसले लिए। उनको लगा कि खाली कुछ प्रतिशत मुसलमान और दलितों के समर्थन से हम सरकार नहीं बना सकते हैं, बनाएंगे तो किसी की मदद से बनाएंगे, भाजपा किसी सहयोग से बनाएंगे, हमको अगर इंडिपेंडेंट अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है हमको कुछ प्रयोग करेंगे। ये सोशल इंजीनियरिंग जिसको शब्द दिया गया ये वही तो था। इन्होंने अन्य जात के नेताओं को प्रमोट किया, अपने साथ मंच पे बैठाना शुरू किया और उनकी बात की
और उसका नतीजा क्या हुआ कि 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के मात्र 2 वर्ष बाद आपकी स्थिति उत्तर प्रदेश में 0 सांसद की हो गई, 0 की हो गई। ये कहीं ना कहीं तो गलती थी, नंबर एक। नंबर दो, आप मैं एक बात आपको बताऊं कि किसको नहीं पता है, शेष जी बात कर रहे हैं, क्या नसीमुद्दीन स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के स्वर्गीय राजभर जी, सुखदेव राजभर से लेकर के बरखुराम वर्मा और के सचान से लेकर के इंद्रजीत सरोज, ये सबसे प्रमुख नेता नहीं हुआ करते थे? यही तो हुआ करते थे, लेकिन जब निकले तो उन्होंने क्या बात की कि मायावती पैसे की भूखी हैं, और इसको शेष जी जैसे लोग न माने लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि टिकट के लिए वहां क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो एक कमी जिस पर आपके अपने लोग आपको आरोपित करते रहे हैं, उस कमी से तो बचना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, इस देश में अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी पे क्या आरोप लगा रहा है? सबसे बड़ा आरोप यही लगा रहा है, ये जो एकजुटता वगैरह हो रही है, किस भय से हो रही है? ये निमित्त मात्र इसलिए हो रही है कि ईडी और सीबीआई का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, इनकम टैक्स का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, ये खुलेआम अपोजिशन कह रहा है। आप मुझे बताइए कि मायावती के किसी भी परिजन पर कभी कोई छापा पड़ा? ईडी कोई रेड हुई? इनकम टैक्स कोई रेड हुई? सीबीआई कोई जांच आगे बढ़ी? तमाम प्रकरण है। इनके भाई की परिसंपत्तियों का एक आकलन भी कुछ वर्ष पूर्व किया था इनकम टैक्स ने, लेकिन उसके बाद वो प्रकरण शांत हो गया। तो कुछ न कुछ तो दिक्कत है, हम गलती करेंगे तो हम ही भुगतेंगे। और सुनिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये उत्तर प्रदेश में बरसों से जो सबसे बीमार पार्टी हो गई है कांग्रेस, ये अभी देखिएगा कांग्रेस नए मिजाज में आ रही है। कांग्रेस इन दोनों का खेल खराब करने जा रही है, कर सकती है, और शायद यही वजह है कि मायावती, कांग्रेस के बहुत लोग चाहते हैं कि मायावती समझौता उत्तर प्रदेश में, लेकिन मायावती नहीं चाहती हूं। अब इसका छोटा सा इतिहास बता दूं, मायावती या समाजवादी पार्टी के पास कहां से लोग आए, उनके मुकम्मल वोट बैंक कौन बने? ये तो सब कांग्रेस से ही टूटे थे ना, शेड्यूल कास्ट गया मायावती के साथ, कांशीराम के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, मुसलमान गया मुलायम सिंह के साथ, ब्राह्मण चला गया भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस हो गई शून्य शून्य जैसी। तो अब कांग्रेस बड़ा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वो करने जा रही है, अभियान करने जा रही है, और इस वक्त मुसलमानों की दृष्टि भी कांग्रेस की ओर है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी परिस्थिति बनी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित जात से आते हैं, अगर खड़गे को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया गया, या एक ऐसा और बना, ऐसा वातावरण बना जैसे लगा को लीडिंग पोजिशन में है, तो उसका भी बड़ा असर पड़ेगा मानस जी। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात की आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात की। लेकिन हमारे साथ हरीश वास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपका बहुत स्वागत है। हरीश जी, मायावती इधर ना उधर तो मायावती किधर, सीधा आरोप ये लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी की भी टीम बन चुकी है मायावती। दो एग्जाम्पल इसके जो अभी हमने पिछले चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के तमाम उम्मीदवार इसलिए हार गए क्योंकि मायावती ने मुसलमान उम्मीदवार के खिलाफ मुसलमान उम्मीदवार दे करके एक तरीके से बीजेपी की राह आसान की। और हमने अभी स्थानीय निकाय चुनाव में भी देखा कि किस तरीके से वोट काटने की भूमिका में थी मायावती, और उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो मायावती किधर है, विपक्ष के साथ है, अकेले है, या आपकी मदद कर रही है? हरीश जी, महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी की मदद तो उत्तर प्रदेश और देश की सम्मानित जनता ने किया, और पार्टी के नेतृत्व नीतियों कार्यक्रमों के कारण किया। जहां तक सवाल जो विपक्षी दल के मित्र या लोगों की अपनी एनालिसिस है, मुझे आप बताइए, जब मायावती जी अखिलेश जी के साथ खड़ी थी तब कौन भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा था? या कांग्रेस जब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी थी उत्तर प्रदेश में, तब कौन मदद कर रहा था भारतीय जनता पार्टी की? तो ये बात तो एक एनालिसिस लोगों की, अपने
राजनीतिक एनालिसिस लोग अपने अपने आप करते हैं। मुझे माना जी बखूब की याद है कि 2019 में जब मैं डिबेट पे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे जाता था और अखिलेश जी का मायावती का गठबंधन था तो लोग कहते थे कि तो भाजपा साफ हो जाएगी, लेकिन परिणाम सबने देखा। तो लोकतंत्र में सबसे जो अहम पक्ष है, अहम पहलू है, जनता जनार्दन। जनता जनार्दन जिसके साथ खड़ी होती है उसके साथ फिर सारी ताकतें अपने आप स्वतः खड़ी हो जाती। अब रहा सवाल मायावती जी का, बसपा की वो एक में निर्णायक नेता है, सोल लीडर है बसपा की, वो क्या निर्णय करेंगे, किसके साथ जाएंगी, कहाँ रहेंगी। मुझे तो नहीं लगता कि मायावती जी का स्वभाव जो उनका नेचर है कहीं ना कहीं आदमी के कार्य में उसको रिफ्लेक्ट करता है। किसी के साथ चलने का उनका अब तक का राजनीतिक जो जो हिस्ट्री है उसमें वो लोगों को साथ लेके चल सके ऐसा मुझे तो परिलक्षित नहीं हुआ अब तक, या किसी के साथ चल सके ये भी नहीं परिलक्षित हुआ। ये तो मायावती करना है, कयास हो सकते हैं, चुनाव है तो सबके अपने अपने कयास हैं, सब अपने अपने तरीके से उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि सारे कयास और एनालिसिस वो अपने अपने हो सकते हैं लेकिन कहीं कहीं सच्चाई से अलग है, क्योंकि मायावती जी अपने आप भी अनप्रडिक्टेबल डिसीजंस लेती रही हैं और लेती है। जी बिल्कुल ठीक बात है हरीश जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी मौजूद हैं। दीपक जी, इस बहस को दूसरे चरण में लेके चलते हैं। एक सर्वे कराया अभी बहन जी ने, मेरे ख्याल से शायद शेष जी को भी जानकारी होगी। उस सर्वे में ये पाया गया कि जो बसपा की स्थिति है वो ठीक नहीं, और एक सलाह दी गई है उनको उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कि वो खुद फील्ड में निकले। तो ऐसी खबर आ रही कि अब बहन जी आगे खुद फील्ड पे निकलेंगी और जाकर के जो उनका जो बेस वोट बैंक है जिस पर आपकी बहुत तगड़ी नजर है, क्योंकि काशीराम जी ने स्थापना की बहुजन समाज पार्टी की लेकिन मूर्ति का अनावरण करने अखिलेश यादव जी जाएंगे, दलित वोट बैंक के लिए वो अब काशीराम का अपने मन से गुणगान करने से भी परहेज नहीं करते, हमने पिछले चुनाव में भी देखा। तो जिस दलित वोट बैंक पर आप नजर गड़ाए हुए हैं, आप कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश कर रहे कि दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ा साथ में आ जाए तो आप बीजेपी को परास्त कर देंगे, अगर बहन जी फील्ड में निकलेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका ही हो, क्योंकि वो तो अपने वोट बैंक को फिर से एकजुट करने का प्रयास करेंगी। देखिए मानस भाई, अभी सबसे पहले हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीश श्रीवास्तव भाई सब कह रहे थे कि जनता जनार्दन होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जनता सत्ता पे बिठाती है वही सत्ता से जनता हटाती भी है। और आज जब 9 साल से भी केंद्र की सरकार और 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, जब जनता की उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे तो आज जनता बड़ी आस और उम्मीद भरी निगाहों से विपक्ष की तरफ देख रही है, और विपक्ष जो है एकजुट होकर के वो जनता की आवाज बन करके लोगों के बीच में जा रहा है, और यही विपक्ष जो एकजुट होकर के क्योंकि जनता इनको हटाने जा रही, क्योंकि इन्होंने जनता की जो भी उम्मीदें थी उस पर कतई ये खड़े नहीं उतरे, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, जिस दिशा में भी आप देख लीजिए उस दिशा में तो जनता आज की तारीख में पूरी तरीके से उब चुकी है। और रहा सवाल देखिए शेर भाई, मुद्दों पे वोट नहीं पड़ता है दीपक भाई, आप जानते हैं इन मुद्दों पे वोट नहीं पड़ता है, वोट जाति समीकरणों की अच्छाई बैठाने से ही पार्टी सत्ता में आती है, आप भी जानते हम भी जानते, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो खाली भाषण के लिए ठीक रहता है महंगाई बेरोजगारी, कहां महंगाई बेरोजगारी है, लगातार बीजेपी सत्ता में आती जा रही है, एक के बाद एक जीतती जा रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए देखिए 10 साल तो मनमोहन सिंह जी भी केंद्र में बैठे थे, 10 साल के बाद 10 साल के लिए चले गए, लेकिन हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी 10 साल बाद जाएगी तो उसके बाद 100 साल तक नहीं आने वाली है भारतीय जनता पार्टी, इनके जनता को उन्होंने इतना परेशान करके रख दिया। मानस भाई हमारे आपके हिसाब से महंगाई बेरोजगारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन आप लोगों के बीच में आप जाकर के देखिए, आप भी सर्वे करते होंगे, आप कभी आजमगढ़ कभी सर्वे करते लोग कहते हैं कि नहीं मोदी जी देश अच्छा चला रहे, ठीक है थोड़ी महंगाई ही सही। अब आप ये तो ये देखिए 2014 के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मूवमेंट को बदला और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक तमाम विकास परियोजनाएं उन्होंने लागू करने का प्रयास किया, बहुत सारी योजनाएं लागू भी हुई। अगर हम लोग सभी लोग हेमंत जी भी हैं, अगर हम लोग सब लोग ईमानदारी से बात करें
तो क्या उसका उनको रिजल्ट उसका परिणाम उनको मिला दोबारा उसका? देखिए मानस भाई, आपने इतने सम्मानित चैनल पे इस चीज को आपने सराहा, इस चीज को आपने माना कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 14 का फेस तो बहुत दूसरे तरीके का था, लेकिन 14 के बाद जब लगा कि देश में मोदी की लहर आ गई है और विकास एक मॉडल बन गया है, तो जिस तरीके से यू टर्न लिया, जिस तरीके से अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व पे भी आए, वो विकास की बात भी करने लगे, तमाम परियोजनाओं को लागू भी किया, तो क्या उसका रिजल्ट? मानस भाई लेट मी फिनिश। मानस भाई, आरएसएस जो है भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी संगठन है और पूरी तरीके से सहयोग करता है जग जाहिर है कहीं, और इन्हीं का एक मुखपत्र है द ऑर्गेनाइजर, और उसके जो प्रधान संपादक है प्रफुल्ल केलकर साहब, केलकर साहब ने, उन्होंने क्यों लिखा कि अब जो मोदी मैजिक नहीं चलने वाला और धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करा करके 2024 की नैया पार नहीं हो सकती, वो तो इनका सहयोगी संगठन है, उसने क्यों मोदी मैजिक के नाम लिया? अरे मोदी मैजिक तब चलता है ना कि जब मोदी मैजिक से कुछ काम हुआ, आप बता दीजिए कहाँ पे, आप सड़क पे और फ्लोर पे उतर करके आप देखिए कि लोगों को कितनी तकलीफें, लोगों को कितनी दिक्कतें हैं। अभी नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुए, अभी हमको लगता है 17 के 17 नगर निगम के चुनाव इन्होंने जीतने का काम किया, चलिए इनके इनको जीते हुए मेयर को इनकी पार्टी को बधाई, लेकिन आप बता दीजिए कि आज जो बनारस की जो स्थिति है कि कमर तक पानी लगा हुआ है, लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल के सामने देख रहे पूरी पूरी कार सड़क के अंदर धस जा रही है, तो क्या उससे जनता परेशान नहीं होगी? मानते जनता जब परेशान होती तो जनता के पास सबसे बड़ी ताकत होती है बटन दबा करके वोट देने का, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी के पास है तो वही एक वोट देने का अधिकार मुकेश अंबानी के पास ही है, वही एक अधिकार मेरे पास भी, आपके पास भी, हरीश भैया के पास भी है, वही हेमंत भैया के पास भी, शेष भैया के पास भी है, और वही जो रिक्शा चलाता है उसके पास भी अधिकार है, तो वो जो सरकारें वोट दबाने से आती है वो सरकारें वोट दबाने से जाती भी है। और आप बता दीजिए, शायद आपको लग रहा होगा कि बड़ा अमन चैन के समय हर तरफ खुशहाली है, सब रोजगार सब पा गए, जितने बेरोजगार है कोई पृथ्वी में कोई बेरोजगार नहीं रह गया, हर तरफ सड़कें बिल्कुल एकदम बनारस की तरह क्यूटो हो गया है, बिल्कुल स्मार्ट सिटी पूरी तरीके से एकदम बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। आप बता दीजिए, आपकी नजर से होगा लेकिन हमारी नजर से आप देखिए। देखिए मानस भाई, हम विपक्षियों का काम है आलोचना, और लोचन का मतलब होता है आंख, हम उसको अपनी आंख से देख करके फिर उसको अवलोकन करने के बाद हम किसी परसेप्शन पे आते हैं। आप बता दीजिए, आपकी नजर से आप देख रहे होंगे कि बड़ा जनता एकदम खुशहाल है, लेकिन आप बता दीजिए क्या जनता खुशहाल है? तो दीपक जी देखिए, लोकतंत्र में अगर आप सरकार बना ली तो ये माना जाएगा कि भाई जनता का समर्थन आपको मिला। 2014 सरकार बना ली मानस भाई, सरकार बनाएंगे, बात तो ये हो रही है ना, और आपने इतिहास गवाया मानस भाई। 2022 तो आपके सामने है, तो अगर महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बीजेपी को सुधार करना चाहिए था सरकार से। समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज सारे चुनाव में बढ़ा है, हम 47 पे आ गए थे 2017 में, ठीक है जनता का जो मैंडेट था हमने उसको स्वीकार किया, हम 47 सीट जीत कर गए, लेकिन उसके बाद देखा होगा हम 125 सीट पे 2022 में जीते, तो ये परसेंटेज जो है ये निरंतर बढ़ेगा, और ये अपनी सरकार के आखिरी साल में चल रहा है, इनका 10 साल पूरा नहीं होने जा रहा मानस जी। चलिए दीपक जी श्रेष जी भी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए, श्रेष जी आपको आवाज मिल रही है? श्रेयस जी हमें सुन पा रहे हैं क्या? चलिए श्रेयस जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा, जब दोबारा जुड़ेंगे तब उनसे सवाल ले लेंगे। हेमंत जी, जिस तरीके से मायावती ने फैसला लिया कि अब वो खुद फील्ड में निकलेंगी, दलित वोट बैंक को इंटैक्ट करेंगी, अपने साथ पार्टी का जो खोया हुआ जनाधार था उसको वापस लेकर के आएंगी, क्या लगता है आपको कितनी कामयाबी हासिल हो सकती है मायावती को? और दूसरा सवाल ये, क्या अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि मायावती अपने आप को खुद को रिवाइव करती है, फिर से अपने आप को खड़ा करती है, उनको कुछ सीटें हासिल हो जाती है, तो क्या वो ये कोशिश करेंगे कि किंग मेकर की भूमिका में आकर बीजेपी को उस तरीके से या एनडीए को उस तरीके से सीटें नहीं मिलती और मायावती कोशिश करेगी बीजेपी का रथ उत्तर प्रदेश में रोके और उसके बाद खुद की किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, क्या ऐसा संभव है आपको लगता है, या मायावती इस रणनीति पर काम कर रही होंगी? पहली बात मानस जी, किंग मेकर बनने के लिए थोड़ा मोड़ा खुद की तो हैसियत होनी चाहिए, अपने 2-4-6 सिपाही तो होने चाहिए। अंकगणित के दृष्टि से मायावती लगातार पिछड़ी हैं, और 2019 में अगर ये गठबंधन नहीं होता समाजवादी पार्टी के साथ तो संभव है कि 2014 की रिपीटेशन हो जाता, तो किंग मेकर तो उसी सूरत में कोई बन सकता है। हाँ, एक उन पे जो इल्जाम लगता है भाजपा का बगलगीर होने का, इसके पक्ष में बहुत से साक्ष्य मिलते हैं,
ये बात सही है, ये आरोप या इस तरह की बात क्यों आती है इसका भी कोई ये कारण कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तो कारण है। आपने खुद अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि सपा आरोप लगाती है कि 138 ऐसी सीटें थी जहां इनकी वजह से, तो भाई हर पार्टी का अख्तियार है, चाहे जैसा कैंडिडेट चाहे जहां चाहे वैसा खड़ा करे, उन्होंने खड़ा किया, लेकिन जो फलित हुआ निकला वो तो वही हुआ ना कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष इसका लाभ मिला। तो किंग मेकर बनने के दिन मुझे लगता है कि मायावती के जा चुके हैं, और अब जो मैं नई परिस्थितियां देख पा रहा हूं, जैसे कांग्रेस के जो बहुत कमजोर कमजोर तो लगातार कांग्रेस रही उत्तर प्रदेश में, उसकी जो मूल संपत्ति है वो बट गई। मैंने बताया कैसे बटी, समाजवादी पार्टी को मुसलमान मिले, बहुजन समाज पार्टी को दलित मिले, भारतीय जनता पार्टी को अपर कास्ट खासतौर से ब्राह्मण मिले, तो कांग्रेस पास रहा कुछ नहीं गया। लेकिन चूंकि 9 साल का केंद्र का शासन है, 10वां साल चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी लगातार सरकार चल रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि आदमी महंगाई बेरोजगारी और चीजों पर रिएक्ट न करे। वो दिन चले गए खाली आप हिंदू मुस्लिम करा करके या सोचिए किसी और पर्टिकुलर इस तरह के विषय पर ही सारा वोट ले लें, ये संभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भी खाली यही नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लंबे समय से पब्लिक के बीच में काम किया है। अभी आप खुद कह रहे थे दलितों के बीच में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पिछले 2.5-3 दशक से काम कर रहा है, 8-10 साल 15 साल से लगातार कर रहा है, और इसी वजह से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सबके वोट बैंक में सेंध लगाई। 2014 में 2019 2022 बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां कुछ यादवों के अच्छे खासे फीसद वोट मिले, अब तो मुसलमानों के भी वोट उनको कुछ मिलने शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने काम किया है लगातार उस समाज के भीतर। तो ये एक तो बात यह हुई। जहां तक मायावती का प्रश्न है, मायावती या कोई नेता हो, आपके पब्लिक के बीच में जाने से क्या होता है, वो पब्लिक तो जानती, पब्लिक समझेगी आप सक्रिय हैं। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है आपके वर्कर्स पर, आपके वर्कर्स में स्पार्क आता है, चमक आती है, तेजी आती है कि हमारा लीडर हमारे बीच में आ रहा है, हमको जागृत कर रहा है। अखिलेश यादव स्वयं 2017 का चुनाव हारने के बाद 2022 के पहले कितना ज्यादा सक्रिय रहे, मेरा मानना है कि जितना सक्रिय होना था उसका 50% भी सक्रिय नहीं रहे। अब कोरोना वोरोना की बात आप कर सकते हो, मायावती तो उससे भी ज्यादा गई गुजरी उनकी स्थिति रही। 2012 में सत्ता छोड़ने के बाद से मानस श्रीवास्तव आप लगातार मीडिया में सक्रिय हैं, आप गिन करके बता सकते हैं कितनी बार निकली इंक्लूडिंग इलेक्शंस। अगर इलेक्शन छोड़ दीजिए तो 2012 से आज 2023 चल रहा है, 11 वर्षों में चुनाव को छोड़कर मायावती ने कितनी रैलियां की, कितनी जगह पे गई, कितने वर्कर्स को एड्रेस किया, वो तो छोड़ दीजिए। मीटिंग के लिए बड़ी मशहूरियत इनकी थी, कितनी मीटिंग कर ली, अभी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, वरना चुनाव खत्म हुआ तो एक समीक्षा बैठक कर। तो जब आपने वर्कर से इंटरेक्शन आपका नहीं होगा, आप उनके बीच में जाएंगे नहीं, तो वर्कर शिथिल हो जाएगी। और दूसरे जिनकी पूंजी आपने ली है वो भी सक्रिय। मैंने क्यों कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट किसी भी सूरत में बनते हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी अभी उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ने जा रही है निकट आने वाले दिनों में, राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश का जिले जैसे भारत वैसे भारत जोड़ो यात्रा का जो उत्तर प्रदेश हिस्सा है और बड़े पैमाने वो करने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा। तो कांग्रेस भी लगातार अपने उसी अभियान में है जो अभियान सबके पास है। तो अब ऐसी सूरत में बिल्कुल ठीक बात है। श्रेयस जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। श्रेयस जी, इससे पहले मैं हरीश जी के पास जाऊं, आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। जिस बात का जिक्र हेमंत तिवारी जी अभी कर रहे थे, अपने जो बात रख रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस ने एक दलित को अपने पूरी इतनी बड़ी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी जो दूसरे नंबर की पार्टी है आज भी देश में, उसकी कमान एक दलित नेता के हाथ में सौंप दी, आने वाले वक्त में वो एक बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं आपके लिए। श्रेयस जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आपके पास तो जो धनाधार था वो तो बीजेपी ने उसमें सेंधमारी कर दी, अब जो बचा कुचा है उस पे कांग्रेस की दावेदारी होने जा रही है, तो कहां जाएगी बीएसपी?
श्रेयस जी से फिर संपर्क नहीं हो पा रहा। हरीश जी, जिस बात का जिक्र हेमंत तिवारी जी कर रहे हैं कि एक दलित को कांग्रेस ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश जहां से आप सबसे ज्यादा सीटें जीतते हैं, जहां पर दौरे होने जा रहे हैं, उधर आप चंद्रशेखर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बातचीत कर रहे हैं, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप लगता है कि आप मायावती को भी अपनी बी टीम बना करके उससे भी अप्रत्यक्ष तौर पर मदद देते हैं, लेकिन अगर खड़गे जी की एंट्री होती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो जिस दलित वोट बैंक के दम पर आप लगातार सरकार बना रहे हैं, उसका क्या होगा? देखिए, आदरणीय हेमंत जी की अपनी एनालिसिस है और ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो आम जनजीवन में, समाज में जो बात मैं जिनके अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में देख रहा हूं कि जैसे मायावती जी दलित लीडर के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरी और उनकी स्वीकार्यता दलित लीडर के रूप में बिहार में, राजस्थान में, एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी हुई, एक पहचान उनकी बनी, वो चुनाव लड़ी, वहां कितनी सीटें जीती कितनी नहीं वो अलग का विषय है। साउथ के किसी लीडर को दलित के लीडर के रूप में उत्तर भारत में कितनी स्वीकार्यता मिलेगी ये आने वाला तो कल ही बता सकता है। लेकिन जब भी जो समाज के रूप में जब भी वोट और उस लिहाज से आप चीजों को देखें, तो जब अखिलेश जी का और मायावती जी का जब समझौता बसपा और सपा का हुआ था, तो वो जो अपनी गुणागणित थी वो फेल इसलिए हुई कि सामाजिक स्तर पर यादवों के साथ या जो उनका सपा समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था वो उसकी कहीं बसपा की वोट बैंक के साथ या बसपा की फॉलोइंग के साथ उसका दूर दूर तक कनेक्ट नहीं था और एक 36 पास रहा था, तो वो ग्राउंड पे रियलिटी में नहीं कामयाब हो पाए। तो और आप देखिए मुलायम सिंह जी के इमरजेंस के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुलदीप यादव को, बलराम सिंह यादव को, कई लीडर्स को, यादव रामदेश यादव जी को, कई यादव लीडर्स को एक बड़े पोस्टर पे रखा, बड़ा उनको स्थान दिया, लेकिन चूंकि यादव लीडर के रूप में मुलायम सिंह जी की एक पहचान बन गई थी तो वो दूसरे को नहीं मिल पाई। तो मुझे लगता है खड़गे जी को अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस बनाती भी है तो भी उसका उत्तर भारत में तो कोई लाभ कांग्रेस को कुछ मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अब हाँ, सवाल इसका कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति और कार्यशैली की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग जाति या इस विशेष के लिए काम नहीं करती, सबको साथ लेके चलती है। मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम लीडरान भारतीय जनता पार्टी पे भेदभाव का चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन मैं तो चुनौती के साथ कह सकता हूं और आप सब आदरणीय हेमंत जी हैं चाहे बानस जी आप या इतने दिन से आप लोग उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है आप लोगों का कि जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की है और नहीं, उसमें बिना भेदभाव के वो मुस्लिम हो, वो दलित हो, पिछड़े हो, सबको उसका बराबर उसका लाभ मिला। यही कारण है कि अगर अल्पसंख्यक वोट मुस्लिम समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उससे अभी ये पंचायत, ये जो नगर पंचायत और इस नगर पालिका और इस चुनाव में जो कई सभासद और बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीते भी हैं, या दलित समाज के लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो उन्होंने देखा कि बाकी पार्टियां तो केवल बात करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी समृद्धि खुशहाली के लिए जो नीतियां लाई उसका लाभ उनको दिया, उसमें कोई कतर जोत नहीं हुआ, ना उसको कोई उनसे छीन पाया। तो अहम सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी सरकार के रूप में भी और संगठन के रूप में भी, संगठन में भी आप देखते हैं तो निचले वो बूथ स्तर लेकर के वो मंडल इकाई हो, जिला इकाई हो, क्षेत्रीय हो या प्रदेश की, सब में सभी जाति वर्ग के समूह के लोगों का प्रतिनिधित्व और उनको पद और प्रतिष्ठा और निर्णय में भागीदारी, और उसी तरीके से सरकार में
सरकार के रूप में आदरणीय योगी जी की सरकार हो या आदरणीय मोदी जी की सरकार हो, सबने उस परफॉर्मेंस को दिया। तो जो समाज में व्यापक स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, वो एक कड़ी मेहनत से जो हमारे नेतृत्व ने किया और पार्टी संगठन और लोगों के बीच जा करके उसको साकार करके दिखाने का काम किया। तो उसके आधार पर अगर आज जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देती है तो उसके पीछे कारण यह है। और दीपक जी जो बात कह रहे थे, ठीक है 2022 विधानसभा चुनाव के पहले भी अखिलेश जी सरकार बना रहे थे, यहाँ जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र हैं वो सब हम लोगों चैनलों पे इसी तरह से कहते थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आप जनता जनार्दन के बीच जाए और योगी सरकार के जो परफॉर्मेंस है, जो काम है, उसको लेकर के जनता जनार्दन से चर्चा करें, तो आपको बिल्कुल पता पड़ जाएगा कि भारतीय जनमानस का मूल मानस क्या है। और मुझे लगता है कि ठीक है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता जनार्दन के पीछे जाते हैं, अपनी नीतियों कार्यक्रमों को लेके जाते हैं, लेकिन मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो पुनः देश की जनता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़ी मजबूत ताकत देने वाली। चलिए फाइनल कमेंट लेते हैं, हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी बसपा के समर्थक है, पर आपसे सीधा सवाल ये, जिस बात का जिक्र अभी हेमंत तिवारी भी कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ला करके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके जिस तरीके से देश की सियासत में कांग्रेस ने दलित वोट को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, आने वाले वक्त में कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि मायावती के पास जो थोड़ा बहुत बचा कुचा जो दलित वोट बैंक है वो भी साफ हो जाएगा? जैसे कि आपने बोला कांग्रेस जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, कांग्रेस के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जब आपको अवसर मिलता है तब आप दलितों को पूछते नहीं है, जब आप सत्ता में रहते हैं तब आपको दलित कहीं याद नहीं आते हैं। और जैसे ही एक्सेप्शनल केसेस हैं, यूजीसी के चेयरमैन बनाए, गृह मंत्री बनाए, इसके अतिरिक्त, लेकिन जैसे ही आपकी सत्ता चली जाती है ये समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लागू होता है। अभी हाल में ही उन्होंने जो MLC के उपचुनाव हुए थे उसमें पिछड़े को लड़ाया, जबकि बहुजन भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत भी है और उनकी जीत भी निश्चित थी कि वो दो MLC बनेंगे चुनाव के, वो भारतीय जनता पार्टी से ही होंगे। उसके बाद भी उन्होंने दलित और पिछड़े को टिकट दिया और चुनाव लड़ाया, ये समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ। और कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो सदैव दलितों का वोट लेकर ही आगे बढ़ी है, उन्होंने इतने साल शासन किया है पर दलितों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया। लेकिन जैसे ही कांशीराम पार्टी बनाते हैं 84 में तो अचानक से कांग्रेस को दलितों की याद आती है। कई सालों से लोग मराठावाड़ा में यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग कर रहे थे, जो औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग कर रहे थे, लेकिन कांशीराम के उभार को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि कांशीराम का जैसे उभार होता है वैसे ही राजीव गांधी जी को, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको दलित याद आते हैं। वो दलितों के लिए एक स्पेशल यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं जिसमें दलितों को 50% आरक्षण दिया जाता है। वो मरणोपरांत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न भी देते हैं। क्या ये सारी चीजें पहले नहीं हो सकती थी? 1990 में आप डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दे रहे हो, आप उनके जीवित रहते या मरने के कुछ सालों बाद दे सकते थे। ये कांशीराम साहब जब मजबूत होते हैं, बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है, तब सारे लोगों को दलितों की अहमियत समझ में आती है। उसके पहले ना दलितों को कोई पूछता था ना। लेकिन आप लेकिन आज का सत्य सर दूसरा है। आज का सत्य ये है कि बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और दलित पिछड़ों सवर्णों के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में आ रही है और इस बार फिर दावा कर रही कि उत्तर प्रदेश 80 में 80 सीटें जीत करके एक नया इतिहास रच देगी।
लेकिन हमारा सवाल आज हमारा मुद्दा यही था कि मायावती इधर ना उधर, तो मायावती किधर, ये तो भविष्य में ही तय हो पाएगा कि मायावती किसके साथ जाती है, किसको नफा और किसको नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी नए विषय पर आप सभी के साथ फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।